तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जगह पर एक धमाका होता है और इधर हमें दिखा जाए एक लड़का जो कि मैजिक यूज कर रहा होता है और उसका नेम मैं बताना चाहता हूँ। उसका नेम था और इधर उसका नेम था यूजी और इधर वो ऐसे कुछ ढूंढ रहा था उस जंगल में। तभी हमें दिखाया जाता है इधर वो एक मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और इधर यूजी भी उससे साथ लड़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह से आग गलता है कोई और इधर वो मॉन्स्टर वहां पर मर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इधर यूजी का एक उल्फ था जो कि आग फेंक रहा था और फिर जब हमें दिखा जाए एक क्रिस्टल जो कि उस मॉन्स्टर से निकला था और तभी हमें दिखा जाए यूजी एक शहर की ओर चला जाता है और इधर वो कुछ ढूंढ कर जा रहा होता है और फिर हमें इधर दिखा जाए बहुत सारे मॉन्स्टर का सीन जहाँ पर वो बहुत ही भयानक लग रहे थे। तभी हमें दिखा जाए नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर एक विलेज का या फिर बोल सकते एक सिटी का सीन होता है जिसका नेम था पेस्टेन और इधर हमें दिखा जाए एक गिल का सीन जहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है एक स्लाइम के बारे में जो कि आग उगल सकता है और इधर वो स्लाइम बहुत ही भयानक है ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन इधर जो उसके दोस्त थे वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उसका। लेकिन इधर वो बोल रहा होता है ये मैंने सपने में नहीं देखा था ये सच है। तभी हमें दिखा जाए यूजी भी उस गिल में आ जाता है और इधर हमें दिखा जाए वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी इधर वो बोलने लगती है यूजी से कि अगर तू अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है होता है तुम फर्स्ट टाइम ये ट्राई किए थे। तभी हमें दिखा जाए यूजी बोलता है किसने बोला मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तभी हमें दिखा जाए इधर वो अपने स्लाइम से बोलता है उसे निकालो। तभी हमें दिखा जाए उसके स्लाइम से बहुत सारा कुछ फूले निकलने लगते हैं जो कि और इधर वो फूल बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकते हैं या फिर उन लोगों का बहुत ही इस्तेमाल करने लायक कुछ हो सकता है लेकिन हमें इधर नहीं पता चलता। तभी हमें दिखा जाए इधर वो जो बंदा था जो स्लाइम के बारे में बोल रहा था इधर वो यूजी का स्लाइम देखकर शॉक्ड हो जाता है। बट भी हमें दिखा जाए रिसेप्शनिस्ट भी देखती है कि इतने सारे फूल कैसे वो ले आ सकता है क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था कभी भी। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलती है तुम थोड़ी देर रुको हमें ब्रांच मैनेजर को मैं बुलाकर लाती हूँ। तभी हमें दिखा जाए कुछ देर बाद का सीन जब ब्रांच मैनेजर वहां पर आ जाते हैं और जब बोल रहे थे क्या तुम एक टाइमर हो तैसे गिल के मेंबर्स को एक एक टैग दिया जाता है और सबसे बेसिक या फिर नॉर्मल जो कैटेगरी आता है वो टाइमर हो सकता है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगते हैं कि मैं तुमसे ये सारा कुछ फूल ही खरीद लूंगा ये हमारे 2 साल के लिए काफी रहेगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो दोनों ये ऐसे ही बातें कर रहे थे लेकिन तभी हमें दिखा जाए उस गिल का दरवाजा खुलता है और इधर एक आदमी अगर बोलने लगता है ये बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है 10,000 मॉन्स्टर्स हमारे इस सिटी को अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और ये बात सुनकर सारे लोग ही शॉक हो जाते हैं 10,000 का नाम सुनकर क्योंकि बहुत ही मॉन्स्टर है और इधर इनमें ही इतने सारे बंदे नहीं है जो कि उन लोगों को रोक पाए या फिर पूरी सिटी में ऐसा नहीं हो सकता यानी सिटी में आई थिंक 10,000 नहीं थे। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो सभी डर जाते हैं और जब वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग इस सिटी को ही खाली कर देंगे जिससे वो लोग बच सकते हैं लेकिन हमारा यूजी बोलने लगता है कि वो मदद कर सकता है कि उसके पास भी एक आइडिया है और इधर वो अगर आइडिया मानता है यूजी का तो ये सिटी भी बचेगा और उसके साथ साथ लोग भी बच जाएंगे। लेकिन इधर सारे लोग ही उसके बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो लोग सोच रहे थे एक बच्चा जो कि अभी अभी गिल को ज्वाइन किया था वो कैसे 10,000 मॉन्स्टर्स को रोक पाएगा। लेकिन तभी हमें दिखा जाए जो कि स्लाइम के बारे में बोल रहा था जो कि आग फेंकने वाला स्लाइम के बारे में बोल रहा था वो बंदा आगे आ जाता है और जो बोलने लगता है हम लोगों को इस बंदे के ऊपर विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये कुछ कमाल दिखा सकता है मुझे पता है। तभी हमें दिखा जाए यूजी बोलने लगता है कि वो एक बैरियर बना देगा पूरे विलेज के ऊपर जिससे वो मॉन्स्टर्स अटैक नहीं कर पाए और इधर वो बोलता है कि वो जो साइड में आएंगे मॉन्स्टर उन सबको एक साथ ही खत्म कर देगा लेकिन इसे वो करने में बहुत ही टाइम लग सकता है। इस वजह से वो बोलता है कि जो गिल के मेंबर्स है वो जो साइड में आ रहे हैं मॉन्स्टर्स को उन लोगों को रोकने के लिए बोलता है और जो बोलता है कि तुम लोगों को कुछ एक ऐसे क्रिस्टल्स को लेना है क्योंकि तुम लोग ऊपर से बॉम्ब की तरह मार सकते हो। तभी हमें दिखा जाए कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उस विलेज के ओर और तभी हमें दिखा जाता है इधर गिल के मेंबर ही उन लोगों को मारने के लिए रेडी थे लेकिन इधर बहुत सारे लोग ही डर रहे थे। तभी हमें दिखा जाता है इधर मॉन्स्टर आने लगे थे और इधर हमें दिखा जाता है इधर वो लोग एक मिसाइल में एक थैला रखते हैं और इधर वो ब्लास्ट कर देते हैं और इधर हमें दिखा जाए इधर वो थैला ऊपर उठ जाता है और तभी हमें दिखा जाए वो जो गिल के मेंबर थे वो सभी लोग अपने धनुष से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से वो फट जाता है और उससे बहुत सारे कुछ क्रिस्टल निकलने लगते हैं और जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर से मर जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाए कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर यूजी हमारा उस गिल के चट में होता है और इधर वो अपने मैजिक से अपने जो उल्फ था उसके साथ बातें कर रहा था और इधर एक लड़की का सीन दिखा जाता है जो कि जैसे यूजी का एक और पार्टनर होगा। तभी हमें दिखाया जाता है इधर का सीन जहाँ पर हमें पता चलता है कि इतने सारे मॉन्स्टर जो थे कुछ कुछ बच चुके थे
और इधर वो मॉन्स्टर आने लगते हैं और इधर हमें दिखा रही है उसी का सीन जब वो एक लड़की के साथ बातें कर रहा था और इधर वो लड़की बोल रही थी कि एक आदमी है जो कि बहुत ही अलग दिख रहा है और इधर साइड से वही इन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि इतने सारे तो मॉन्स्टर एक साथ आ नहीं सकते। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की के पास भी बहुत सारे स्लाइम्स थे जो कि यूज किए थे। तभी हमें दिखाया जाता है इधर वो देखती है उस आदमी के पास एक रेड कलर का स्टोन था जो कि उस मॉन्स्टर से ही गिरा था और इधर वो आदमी कहीं पर जा रहा होता है लेकिन इधर यूजी बोलता है तुम लोग अगर पकड़ सकते हो उसे पकड़ लो क्योंकि वो बहुत ही बड़ा कुछ कांड करने वाला है। तभी हमें दिखाया जाए इधर वो जो लड़की थी वो उसके जो उसके पास जो स्लाइम्स है उसे टेलीपोर्ट कर देते हैं एक जगह पर और इधर हमें दिखाया जाए वो सारे स्लाइम्स उस आदमी के ऊपर वाले पेड़ से नीचे आ गिरते हैं और इधर वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं और इधर यूजी भी कर रहा था अपना कुछ मैजिक को देख रहा था और इधर हमें पता चलता है उसके पास बहुत सारा कुछ मैजिक है जो कि वो यूज कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है इधर उन सारे स्लाइम्स के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहे थे लेकिन इधर जो यूजी का एक उल्फ था वो बहुत तेजी से भागते हुए उस स्लाइम्स को उठा लेता है और इधर हमें दिखा से यूजी बात करके बोल रहा था उसके उल्फ को कि वो लोग सारे सिटी के पास पास जगह में एक इलाका डिवाइड हो जाए यानी सारे जगह पर एक ही मात्रा में स्लाइम्स आ जाए और इधर जिससे पूरी सिटी को कवर हो पाए स्लाइम्स की वजह से। और तभी हमें दिखा और इधर हमारे गिल्ड के मेंबर्स मॉन्स्टर के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे और इधर हमें दिखा जाए हमारा प्राउड उल्फ जा रहा था स्लाइम्स को लेकर पूरे सिटी के घूम रहा था और इधर वो स्लाइम्स को एक दूसरे को फेंक के जा रहा था क्योंकि सारे सिटी को कवर करना था। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ स्लाइम्स उस गिल के मेंबर्स को भी बचाने के लिए आ जाते हैं और इधर वो स्लाइम्स आग फेंक रहे थे और इधर वो बंदा जो कि बोल रहा था स्लाइम्स के बारे में इधर वो बहुत ही खुश हो जाता है और इधर बोलने लगता है देखा ये स्लाइम्स आग फेंक रहे हैं और इधर यूजी जो इस्तेमाल कर रहा था मैजिक जिसकी वजह से वो एक कंप्यूटर की तरह लग रहा था और पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट देख रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है इधर यूजी बोलने लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए हमारे ब्रांच मैनेजर के पास और इधर तुम्हें बोलना चाहिए कि मैं जल्दी से सील करने वाला हूँ इस पूरे विलेज को और जो साइड में अभी भी बंदे लोग हैं उन लोगों को विलेज में आ जाने को नहीं तो वो लोग भी मर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इधर वो लड़की भी वहां से चली जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन जहाँ पर यूजी का एक जो बंदी थी या फिर आप लोग बोल सकते हैं उसका नेम है ड्रायड इधर वो साइड से टेलीपोर्ट कर सकती थी जिसकी वजह से वो कुछ स्लेव्स को टेलीपोर्ट कर देती है और इधर वो खुद भी टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है इधर हमारे ब्रांच मैनेजर बोलने लगते हैं तुम लोगों को अभी अंदर आना चाहिए नहीं तो तुम लोग भी मर सकते हो। तभी हमें दिखाया और जब अमेरिका से बहुत सारे लोग अंदर आ जाते हैं इस बात को सुनकर और तभी हमें दिखाया जाए गिल के जो ऊपर लेवल के लोग थे वो लोग एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे लेकिन इधर वो दोनों मिलकर ही हरा नहीं पा रहे थे उस मॉन्स्टर को। तभी हमें दिखा जाए वहां पर यूजी का उल्फ आ जाता है और इधर वो उल्फ उस मॉन्स्टर को मार देता है काट कर और इधर हमें दिखा जाए इधर वो उन दोनों को उठाकर ले आता है उस जगह के अंदर यानी विलेज के अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है यूजी अपने स्लाइम्स के साथ बातें करने लगता है और जब वो बोलने लगता है तो तुम लोग रेडी हो ना और इधर सारे स्लाइम्स ही बोलते हैं हाँ हम लोग रेडी है और तभी हमें दिखा जाए यूजी सारे विलेज के ऊपर एक बेडियर लगा लेता है और इधर हमें दिखा जाए इधर वो साइड में ब्लास्ट करने लगता है और तभी हमें दिखा जाए धुआं उड़ने लगता है ब्लास्ट की वजह से और इधर यूजी सेल को हटा देता है और वो देखने लगता है क्या कोई मॉन्स्टर बचा है। तभी हमें दिखा जाए कुछ मॉन्स्टर बच चुके थे और इधर हमें दिखा जाए रिसेप्शनिस्ट पीछे से आ जाए यूजी का और इधर यूजी बहुत ही थक चुका था कि उसने बहुत सारा कुछ मैजिक यूज कर दिया था लेकिन इधर वो अगर तब थक कर गिर गया तब लेकिन वो विलेज को नहीं बचा पाएगा जिसकी वजह से वो बोलता है हम लोगों को फिर से ये करना पड़ेगा और वो लोग फिर से एक सील को बना लेते हैं लेकिन इधर हमें दिखाई रिसेप्शनिस्ट बोलने लगते तुम बहुत ही थक चुके हो अगर तुम ऐसे ही करते रहे तुम मर भी सकते हो लेकिन इधर हमारा यूजी बोलता है लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाए इधर वो फिर से एक बैरियर लगा देता है विलेज के ऊपर और इधर वो साइड में जो मॉन्स्टर आ रहे थे उन लोगों को ब्लास्ट कर देता है और तभी हमें दिखा जाए वो ब्लास्ट करते हुए बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखा जाए कुछ देर बाद का सीन जब वो आँख खोल के देखता है और इधर वो देखते है कि वो एक बेड पर था और इधर उसके पास उसके कुछ स्लैम्स थे और इधर हमारे दिखा जाए रिसेप्शनिस्ट कुछ खाने को लेकर आई थी जो कि बहुत ही रो रही थी और इधर वो ऐसी चिंतित थी यूजी के हालत को देखकर। तभी हमें दिखाया जाए बहुत सारे लोग देखने आए थे उस आदमी को जो कि ये सब कर रहा था और जब हमें दिखाया ब्रांच मैनेजर आकर उस आदमी को देखने लगता है तभी वो देखता है उसके हाथ में जो लैम्प था वो बहुत ही कुछ अलग सा लैम्प था। तभी हमें दिखाया जाता है इधर एक पेड़ के ऊपर हमारी यूजी की पार्टनर थी और जब वो देख रही थी क्या हो रहा है यहाँ पर और जब दिखाया यूजी रिसेप्शनिस्ट का बना हुआ खाना खा रहा है और जब बोलता है ये टेस्टी था। तभी हमें दिखाया जाता है इधर सारे लोग इस जश्न में खूब मौज करने लगते हैं क्योंकि गांव के लोग बच चुके थे और इधर
और इधर रिसेप्शनिस्ट भी बोलने लगती है सारे लोग बच चुके हैं इसी वजह से बोलो अब पार्टी करे है आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें। तिमिया भी निकल जाए इधर यूजी हंसते हुए बहुत सारी ठीक है मैं जल्दी आने का कोशिश करूंगा। तिमिया मेरी खाते रिसेप्शनिस्ट पूछने लगती है मैं क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और इधर मेरी खाते इधर वो पूछते यूजी से कि वो क्यों इस विलेज का हेल्प क्या। तभी मेरी खास है यूजी को नहीं होता इसी वजह से रिसेप्शनिस्ट माफी मांगते हुए वहां से चली जाती है और इधर मेरी खास यूजी को सोचने लगता है और तभी मेरी खास यूजी सोचने लगता है कि वो एक और दुनिया से यहाँ पर आया था और इधर वो एक शायद से एक कंपनी में काम कर रहा था और ये एडवांस दुनिया थी जो अब चल रहा है उससे तो बहुत ही एडवांस थी ये हमें पता रहता है उन लोगों के कंप्यूटर से। और तभी मेरी खास फिर से रिसेप्शनिस्ट यूजी के कमरे में आती है और इधर मेरी खास यूजी उस कमरे में नहीं होता है तभी मेरी खास यूजी वहाँ से जाने लगता है यानी उस जगह से जाने लगता है और इधर हमारे खास यूजी के स्लाइम्स बोलने लगती है लेकिन मुझे वो खाना पसंद था मुझे खाना चाहिए था लेकिन इधर मेरी खास यूजी बोलने लगता है हमें इतने टाइम तक एक जगह स्टे नहीं करना चाहिए और इधर यूजी और उसके स्लाइम्स और उसके साथ ही साथ उसका उन एक सारी बातें करके जा रहे थे तभी हमें दिखाया जा रहा है इधर और इधर हमें दिखा जाए गिल का मिनिटी का सीन जहाँ पर उसे पता चल चुका था कि हमारा जो हीरो था जिसने इस जगह को बचाया वो अब गायब हो चुका है। तभी भी दिखा जाए मैनेजर के पास एक वही वाला लैम्प था जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा था जो कि उस आदमी के पास भी था और तभी भी दिखा जाए इधर जो ब्रांच का मैनेजर था यानी गिल का मैनेजर था वो दिखाने लगता है वो लैम्प को रिसेप्शनिस्ट को और जब बोलने लगता है ये हमें उस आदमी से मिला था और इधर इसे वो सही से उसे कंट्रोल कर रहा था मैंने रिपोर्ट दे दिया है सेंट्रल को और इधर में लिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुन रहा था यूजी के स्लाइम और इधर वो यानी कि यूजी भी उस स्लाइम से सुन रहा था यहाँ पर क्या बातें चल रही थी और इधर मेरी खास यूजी एक सिटी के आगे होता है और बोलने लगता है हमें इस सिटी को भी बचाना पड़ेगा और शायद से यूजी का यही मकसद होगा कि वो हर स्थिति को बचाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर और आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हम लोग भी थोड़ा ग्रो कर पाए। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।